हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर टू ऑफ वर्किंग ड्राइंग। ओके, देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टीशन वॉल। व्हाट इज पार्टीशन वॉल एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ पार्टीशन वॉल और इसका घर में इम्पैक्ट। ओके, सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं पार्टीशन वॉल क्या है। जैसे किसी भी स्पेस का इफेक्टिव यूटिलाइज करने के लिए पार्टीशन वॉल बहुत ही हेल्प करती है। जैसे कोई एक बड़ा स्पेस को दो भागों में डिवाइड करने के लिए, किसी यूजफुल पर्पस के लिए उसको हम बीच से डिवाइड करते हैं, तो उसी विधि को पार्टीशन वॉल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ यू आर शेयरिंग वन बेडरूम विथ रूममेट आर टू सिंपल पार्टीशंस आर टू, देन सिंपल पार्टीशन कैन बी हैंडी फॉर प्राइवेसी पर्पस। जैसे एकदम आसान पार्टीशन वॉल बोला जाए तो वो क्या है, पर्दे, कर्टन। ये एक सबसे पुराना ट्रेडिशंस है जिसमें पार्टीशन वॉल्स का उपयोग हर जगह होता है। जैसे पार्टीशन वॉल का उपयोग बुक केस, ओपन क्लोजेड डोर्स और ओपन फ्लोर प्लान जो रहता है वहाँ डिवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉरपोरेट ऑफिस में बहुत से जगह में देखे ही होंगे, है ना, कि स्कूल कॉलेज में टीचर्स केबिन्स बनते हैं ये सारी चीज़ों के। ओके, फिर जैसे कि देखा जाए पार्टीशंस आर द वर्टिकल वॉल। बेसिकली ये फ्लोर से ऊपर की ओर डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं। आर पैनल यूज्ड टू डिवाइड रूम आर पोर्शन ऑफ ए बिल्डिंग्स। बेसिकली पार्टीशंस आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज स्लाइडिंग, देन स्लाइडिंग एंड फोल्डिंग, देन थर्ड इज द स्क्रीन टाइप्स आर फिक्स्ड टाइप। स्लाइडिंग क्या होता है? स्लाइडिंग पार्टीशन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैनल दैट स्लाइड इन ट्रे फिक्स टू द फ्लोर एंड सीलिंग द मशीन इफ द पार्टीशन इज सिमिलर टू दोस ऑफ स्लाइडिंग डोर। जैसे स्लाइडिंग दरवाजा होती है, उसी तरह की तरीके से क्या होता है, स्लाइडिंग पार्टीशंस होता है, है ना। स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशंस वॉल, स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशंस आर ऑपरेट इन ए सिमिलर मैनर लाइक स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर। They are normally used for smaller space. Screen, जो जालीदार जो partitions होता है उसको हम screen बोलते हैं। Screen are usually constructed of a metal or timber frame. It is fixed with plywood and chipboard inside. The screen supported with legs of free standing and easy movement. Clear? Okay. So let's have some glimpse of the partitions wall for better understanding. Okay, here यहाँ पर जैसे कि simple पर्दे को partitions wall के purpose के लिए use किया जा रहा है, है ना, इसमें और इसमें bedroom के sittings के लिए। यहाँ पर जैसे dining area को living से separate करने के लिए partitions use किया जा रहा है। Okay, तो ये एक पुराना तरीका है पार्टीशंस वॉल्स करने का और आसान तरीका भी है जो आज के समय में भी हमें देखने को मिलती है, है ना। फिर हम आते हैं वुडन बोर्ड या वुडन पैनल्स की पार्टीशंस वॉल, स्क्रीनिंग, बेसिकली स्क्रीन टाइप जो पार्टीशंस वॉल होते हैं वो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव पर्पज के साथ साथ जैसे लिविंग रूम को इस एरिया से सेपरेट करने के लिए यूज हो रहा है ना। यहाँ पास सिंपली इसी तरीके से, यहाँ पास जो है डाइनिंग को इस एरिया से सेपरेट करने के लिए यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजों को जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पार्टीशन वॉल्स क्या होता है ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पास देखिए, यहाँ पास सीढ़ी को इस एरिया से सेपरेट करने के लिए एक जाली नुमा पार्टीशन वॉल तैयार किया है, है ना। स्क्रीन पार्टीशन, जैसे यहाँ पास क्या हो रहा है कि पीछे की भी पार्टीशन दिख रहे हैं, बीच में डेकोरेटिव पर्पज हो गया, है ना। इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। तो आप लोगों को पार्टीशंस वॉल सिंपली समझ में आ गया है कि क्या होता है बेसिकली। तो आज का हमारा जो लेक्चर का पर्पस है यही है कि पार्टीशंस वॉल के बारे में आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। बेसिकली
ना पार्टीशंस वाल जैसे प्लास्टर बोर्ड्स का भी अपन कंप्लीट फिक्स पैनल ये तैयार करते हैं, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे पार्टीशंस वाल्स बनाने के लिए, जैसे वुडिंस की पार्टीशंस वाल बनाते हैं तो उसका फ्रेम स्ट्रक्चर्स सबसे पहले खड़े करेंगे, है ना। तो जो साइज होगा, जो जैसे पैनल साइज फिक्स आते हैं, जैसे प्लाईवुड है, क्या है उसको नेलिंग करना पड़ता है, खील लगाना पड़ता है बीच बीच में, तो जो गेप होता है वो प्रॉपर खील करते नेलिंग करते बन जाए और एक मजबूत के साथ सपोर्ट बना रहे, उसके हिसाब से हम फ्रेम की जो गेप होती है उसको हम डिसाइड करते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पर प्लास्टर बोर्ड सीट्स लगा रहे हैं और ये लकड़ी का फ्रेम है, है ना। और इसके डिफरेंट नोमेनक्लेचर को भी अच्छे, जैसे एक बेसिकली पार्टीशंस कितने टाइप का हो सकता है हाइट वाइज लिया जाए तो 3 टाइप का, एक होता है फुल पार्टीशंस वाल, दूसरा होता है, है ना, 3/4, और फोर्थ टाइप होता है हाफ या ड्वार्फ। बेसिकली यहाँ पर जैसे ऑफिस में सिटिंग अरेंजमेंट के बीच पार्टीशंस चाहिए तो ये यूज होती है, है ना। फुल हाइट जैसे केबिन बनाते हैं तो साउंड ऑब्स्ट्रक्शन कर, तो ये जो फुल रहेगा 3/4 बनेगा या ड्वार्फ टाइप बनेगा, ये पर्पस के अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड करेंगे कि कौन सी टाइप हमको पार्टीशंस वॉल चाहिए, है ना। तो यहाँ पास आप टिम्बर स्टेट पार्टीशंस जैसे होते हैं, यहाँ पास जो डिफरेंट नोमेनक्लेचर है इसको आपको अच्छे से याद रखना है किसको क्या बोला। जैसे यहाँ ये जो पॉइंट है ऊपर का, इसको पूरा हम क्या बोलेंगे, हेड, है ना। ये जो बीच में जो सेंटर में पार्टीशन वाला है उसको क्या बोलेंगे, स्टड, और फिर ये अगेन हेल है, और ये साइड में जो है ये क्या है, वॉल स्टड, और जो बीच में जो पार्टीशन हो रही है छोटी 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 उसको क्या बोला जाएंगे, नोगिंग। तो ये सभी नोमेनक्लेचर हमको याद रखना है, जब हम अपने हिसाब से जब पार्टीशन सॉल्व करेंगे तो ये नोमेनक्लेचर आपके लिए बहुत मायने रखती है। यहाँ पर सभी साइज नहीं लिखा हुआ है, आपको जब अपना डिजाइन करेंगे तो आपको सभी पार्टीशन वाल का आपको साइज भी डिसाइड करके लिखना ही है ना। तो अल्टरनेटिव, जैसे यहाँ पास फिक्सिंग मेथड है, जैसे ये एक वॉल गया और यहाँ पास दूसरा जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स जो आ रहा है वो कैसे इसमें इंसर्ट होता है, जैसे यहाँ पास बाहर से इसमें फ्रेमिंग नेलिंग कर दी, ये थोड़ा सा यहाँ पास नेलिंग कर दिए, इस तरीके से ये जो है क्या है, यहाँ पास आउटर सरफेस में ये फिक्स है किनारे में, और इसको थोड़ा सा क्या कर दिए हैं, इनसाइड कर दिए हैं, है ना, जो भी पोस्ट है स्टड है उसमें, और यहाँ पास क्या किए हैं, फ्रेमिंग किए हैं। तो ये सारी डिटेलिंग है, डिफरेंट बहुत सारे तरीके से हम कंस्ट्रक्शन जो ज्वाइंट होता है उसका हम डिटेलिंग कर सकते हैं, कोई एक फिक्स टाइप ऐसा ही होगा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को जैसा लगे कि इसमें फिटिंग हो जाएगा उस तरीके से इसमें होता है, है ना। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ के बीच हमको पार्टीशंस करना है, तो जैसे यहाँ आया तो ये डोर है स्ट्रगर्ड पार्टीशन, जैसे आगे जिग जैग शेप में है, थोड़ा सा स्टोरेज एरिया बनाने के लिए इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो पार्टीशंस वाल बनेगा उसको फाइनली प्लान में रूपरेखा देने के लिए क्या होगा, ये पोस्ट हो गया, ये स्टड हो गया, ये स्टड होगा, यहाँ पास इस तरीके से जैसे कॉर्नर जॉइंट है ये इस तरीके से स्टड बनेगा, है ना। तो आपको कॉर्नर डिटेल यहाँ पास कॉर्नर डिटेल दिखाने के लिए यहाँ पास ये एग्जाम्पल लिया गया है। कॉर्नर की डिटेलिंग कैसे होती है, बेसिकली ये वुडन हार्ड लकड़ी का होता है और ये बाहर में आउटर में है वो क्या है, पैनल है, ठीक। तो इसी तरीके से ये पार्टीशंस का हम डिटेलिंग करते हैं, ठीक। जैसे स्ट्रेट रहा तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक। ये 3D व्यूज हैं जो बीच का और कॉर्नर पॉइंट का, जो कॉर्नर पोस्ट डिटेलिंग यूजिंग 3 स्टड्स बाय पैकिंग पीस, और एंड पोस्ट डिटेलिंग यूजिंग 2 स्टड, ये और ये स्टड है, और ये क्या है बीच का, यहाँ पास अभी देखे थे हम लोग क्या बनाए थे, नोगिंग। क्लियर। तो यहाँ पास आउटर जो रहेगा ओवरऑल किस तरह, जैसे यहाँ पास प्रोविजंस, यहाँ पास जैसे एक टीवी चैनल है और डिफरेंट पार्टीशंस वाली ये पैनलिंग किए हैं, है ना। यहाँ पास मेटल स्टड्स है, यहाँ पास फ्लोर एंड सीलिंग चैनल ऊपर में लगा दिए हैं, नीचे है इस तरीके से 600 600 के गैप में आप डिवाइड किए हैं। तो ये इधर पे क्या है, वॉल पैनल बोर्ड, टिपिकल एलिवेशन, ये जो है टिपिकल एलिवेशन है मेटल स्टड फ्रेमवर्क का, ठीक। और ठीक, ओके, ऊपर के टॉप को अगेन हम रिवाइज करते हैं, किसको क्या बोला जाए, इसको क्या बोलते हैं, हेड।
फिर जो सेंटर में डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉगिंग। फिर ये जो साइड में होता है इसको क्या बोलेंगे, स्टर्ड। और नीचे जो लेवल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सील प्लेट या सोल प्लेट, जो भी है बॉटम जो प्लेट होता है उसमें, है ना। गैप कितने कितने का हो सकता है, 400, 600। दिस इज ये जो गैप होता है यहां से यहां के बीच, ये वेरी करता है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से और पैनल के साइज के हिसाब से भी। अब बाहर से देखेंगे ये जो पार्टीशंस है वो कैसा दिख सकता है, ऐसा, क्लियर। अंदर की फ्रेम और स्टड्स पूरे पैनल में दब जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटेलिंग में टाइप्स ऑफ पार्टीशन वाल, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन डिटेलिंग बनाएंगे, जिसमें ग्लास पार्टीशन है, वुडन पार्टीशन है, मेटल पार्टीशन एंड कंपोजिट पार्टीशन। दिस ये जो चार टाइप का जो पार्टीशन वाल है इसका हम डिटेल में वर्किंग ड्राइंग बनाएंगे, जिसको मैं आगे आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियोस बना के मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए आप इसको, इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से समझिए। ओके, थैंक यू।